देश इस वक्त कोरोना महामारी के मुश्किल हालात से गुजर रहा है। संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार की तमाम रोकथाम व कोशिशों के बावजूद इस पर नियंत्रण पाना अब मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि आम लोगों के बाद राजनेता, अभिनेता और बड़ी बड़ी शख्सियतें भी इसकी चपेट में हैं। ऐसे में लोगों के लिए सावधानी ही सुरक्षा है। सेलेब्स भी फैंस से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी ने कोरोना संक्रमण और महामारी को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और सजग रहने के लिए कहा है। वे बोले कि लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपना ध्यान रखें और उन्हें विश्वास है कि यह बीमारी भी जल्दी ही देश से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही दिलीप जोशी ने यह भी कहा कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उस वक्त लोगों को सचेत रहने की भी जरूरत है। लोग बिना किसी काम के यूं ही कहीं ना जाएं। लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए। सभी को जिम्मेदारी से अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए। दिलीप जोशी ने इंसानियत के प्रति फर्ज को भी याद दिलाया और एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा। सरकार को लेकर वे बोले कि उन्हें दोष देने से कोई फायदा नहीं है। यदि हम गाइडलाइंस का पालन ही नहीं करेंगे तो यह महामारी कभी समाप्त नहीं होने वाली है। दिलीप जोशी ने एक बार फिर से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिलाया और कहा कि हमें इसका पालन करना ही होगा। मास्क पहनिए और टीकाकरण भी जरूर करवाइए। नियमित तौर पर भाप लीजिए और स्वस्थ रहिए। शो की शूटिंग रुकने पर वे बोले कि लोगों की जिंदगी अधिक महत्वपूर्ण है, काम तो फिर शुरू हो जाएगा।